कहे वो पहले सुख चाहिए हम, ये दुख है तो बाद में देखे हम, हो गई ताजे वटे हम, पहले सुख चाहिए। सज्जन व्यक्ति कमियों को दूर करता है, कोई कमी है भैया वह कमी है ये पूरी कर लें ताकि जीवन में कोई खटका ना रहे। उन्होंने कहा जा पाप ये तो निवटला ने भैया, पाप कोई प्राचित जरूरी है, और बस वो गिरगट की योन में चले गए और गिरगट बने और एक कुएं में चले गए। अब कुएं में से वो क्या करें, वहां तो केवल और कीड़ा मकोड़ा को खाएं और पाप बढ़ता गया। भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये मेरा भक्त राया नरक है, उन्होंने जाकर के अपने हाथ बढ़ाया, हाथ से ऊपर को निकाला, वो हाथ का स्पर्श होते ही वो अपने दिव्य रूप में आ गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की, देव देव जगन्नाथ गोविंदम पुरुषोक्तम नारायणम हृषीकेश पुण्य श्लोका। भगवान की स्तुति करते हुए वो चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, उसके बाद में बलदेव ने दुविंद नाम को बानर को मारा, वो वृंदावन में जाते हैं और यमुना के किनारे गोपियों के साथ में लीलाएं करते हैं। श्याम सुंदर ने पौंडरक नाम को दैत्य को मारा, वो स्वयं अपने आप में भगवान बनता था, पौंडरक का वध किया, क्योंकि संसार में भगवान तो एक ही होता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं होता है, भगवान ने उसका वध किया। अरे मुरारी हे नाथ तेरे पास दे स्वागत सत्कार किया और कहा हे दाऊ कैसे आए। दाऊ ने कहा दुर्योधन तूने सांब को जेल में बंद कर दिया। दुर्योधन ने कहा हाँ मैंने बंद कर दिया उसे। दाऊ ने कहा उसे छोड़ दो। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। दाऊ ने कहा अपनी बेटी का विवाह कर दो उसके साथ में, उसे जेल से मुक्त कर दो। दुर्योधन ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर आपने पक्ष लिया तो तुमको भी मैं जेल में बंद कर दूंगा। बलदाऊ को गुस्सा आया, जलयाम वारुणम गंगायाम नगरम पतत आकृष्ण जात संभ्रमा। बलदेव को गुस्सा आया, हल लेकर के पूरे हस्तिनापुर को खींच करके और गंगा जी में डुबोना चाहा। बलदाऊ ने कहा मैं तुम्हारे सब नगर को पूरे गंगा में डुबो दूंगा। तब जैसे खींचने को तैयार हुए, तमेव शरणम जगमम कुशकुटम्बा जिजीषवहं सलक्ष्मणं पुरस्कृत्यं सांब प्रांजले प्रभो। जैसे ही नगर को खींचने के लिए तैयार हुए कि अब तो ये नगर को पूरे को
डुबा देंगे, नष्ट कर देंगे। सब हाथ जोड़ करके शरण में आए, हे गुरुदेव क्षमा करो, क्षमा करो, कृपा करो। तब वो माने और श्याम का विवाह लक्ष्मणा के साथ में किया, धूमधाम से उनकी विदाई करी और द्वारकापुरी में आए। एक बार नारद जी ने विचार किया कि भगवान श्याम सुंदर, उनकी 16108 पत्नी है, क्या कोई उनसे सभी संतुष्ट हो जाती है? उन्हों इतनों को कैसे संतुष्ट रखते होंगे, क्या करते होंगे उनके साथ में? जब कोई व्यक्ति एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, दो चार घर वालों को नहीं संभाल पाता, कोई ना कोई रुष्ट होता रहता है, इतनों को कैसे संभालते होंगे? उनका कम से कम 1.25 लाख का परिवार हो गया, 16108 पटरानी है, 10-10 पुत्र है, तो 16 × 160 1,60,000 तो वैसे ही भी है। और वे तो कितना परिवार हो गया, इतनी पत्नी इतने बच्चों को कैसे रखते होंगे? नारद जी ने कहा देखो तो सही। नारद जी वहां जाते, जिस भवन में नारद जी जाते श्याम सुंदर वहीं मिलते और कहते हैं देवर्षि आओ, कब के आए और कैसे हैं? जैसे ही उन्होंने देखा अभी आया। और वहां से दूसरे कमरे में जाते, वहां भी श्याम सुंदर मिलते, कहीं किसी बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं किसी काम को कर रहे हैं, कहीं और कोई काम कर रहे हैं, अलग अलग काम करते हुए सभी कमरों में देखा। तो जैसे जिस कमरे में जाते वहीं श्याम सुंदर कहते आओ देवर्षि आओ, कब के आए हो, कैसे आए हो, सभी में स्वागत करते थे। नारद जी ने देखा भगवान श्याम सुंदर सबके साथ में अलग अलग रूप धारण करके और विराजमान है, उनका मोह दूर होता है। एक बार जरासंध की जेल में 20,800 राजा बंदी बने थे, जरासंध की जेल में 20,800 राजाओं को बंदी बनाया और बलि देने के लिए बनाया कि सबको भगवान भोलेनाथ पर बलि दी जाए। सभी राजाओं ने एक पत्र लिखकर के भगवान द्वारकाधीश को पास भेजा और कहा संसार में जरासंध से कोई बचाने वाला नहीं है, केवल बचा सकते हैं तो श्याम सुंदर द्वारकाधीश ही बचा सकते हैं। उस दूत ने आकर के और भगवान श्याम सुंदर के सामने वो उनके निवेदन पत्र को रखा, उनसे प्रार्थना करी प्रभु सहय नमस्कृत्यम कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञामवेदयदं दुःखं जरासिंध निरोदयमः। हे प्रभु, इस जरासंध से आपके सिवा और कोई नहीं छुड़ा सकता है, हमें इसके बंधन से मुक्त करो प्रभु। दूत भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसी समय देवर्षि नारद आते हैं, दूत की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा आश्वासन दिया तुम चिंता मत करो, उनसे कह देना कि हम उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, और स्वीकार किया। हाल ही में नारद जी आते हैं, नारद जी ने कहा प्रभु तुम्हारे जो पांडव हैं वो इंद्रप्रस्थ में रायसु यज्ञ करना चाहते हैं, प्रभु आपका बुलावा भेजा है, आपको बुलाया है। यच्छते त्वं मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडव पांडव का पुत्र चक्रवर्ती राजा राज्य करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञराट राजसु यज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं प्रभु, आपको निमंत्रित किया गया है।
तब भगवान सब यज्ञ में जाने के लिए तैयार होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जरासंध के मुक्ति का मार्ग, राजाओं की मुक्ति का मार्ग इसी राजसु यज्ञ से ही निकलेगा। तब वो इंद्रप्रस्थ आते हैं राजसु यज्ञ में, और वहां आकर के भगवान श्याम सुंदर पांडवों से मिले, अपनी बुआ से मिले। चारों ओर को दिग्विजय के लिए छोड़ा जाता है सबको, सभी दिशाओं को जीत करके तब राजसु यज्ञ होता है। और इस जरासंध को कैसे जीता जाए, तब अन्य दिशाओं के लिए नकुल और सहदेव अन्य को भेजा गया। धर्मराज ने कहा कि इस जरासंध का क्या करें, तब श्याम सुंदर ने कहा तुम चिंता मत करो, जरासंध की ओर हम तीनों जाएंगे, भीम, अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर जरासंध के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जरासंध बहुत बड़ा भक्त था। वो सवेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था, और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके मंदिर से बाहर जो भी याचक खड़ा होता था, जो भी कोई दान मांगता था उसे ही जरासंध दान देता था। बहुत बड़ा दानी था जरासंध। ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, उसके बाद ब्राह्मणों की मांगने वालों की लाइन लगी थी, उसी में ब्राह्मण का वेश धारण करके श्याम सुंदर और भीमसेन और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में खड़े हुए थे। जब दान देते देते जरासंध आए, तब श्याम सुंदर की बारी आई। तब जरासंध ने कहा हे ब्राह्मणों मांगो, क्या मांगना चाहते हो। श्री भगवान वाचय यद्योनो देहि राजेन्द्र दोन्नसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राता राजन्य नारकांक्षिण। भगवान ने कहा हे राजन हम द्वंद युद्ध मांगते हैं तुमसे, द्वंद युद्ध। जरासंध ने कहा ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, ब्राह्मण तो युद्ध से लड़ाई से डरता है, तुम अवश्य ब्राह्मण नहीं हो, बताओ कौन हो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण युद्ध नहीं चाहता, ब्राह्मण लड़ाई से डरता है, तुम सही ब्राह्मण नहीं हो, बताओ कौन हो। अब बताओ जो लड़ता है भिड़ता है युद्ध चाहता है कुमार्ग पे जाता है क्या वो ब्राह्मण हो सकता है। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, बताओ कौन हो। तब श्याम सुंदर ने कहा मैं कृष्ण वासुदेव। जरासंध ने कहा अच्छा भगोड़े चलिए, तू कृष्ण उस दिन मेरे से बच गया, अच्छा तो तुम कपट वेश धारण करके यहाँ आए हो, और ये अर्जुन है हाँ, और ये हट्टा कट्टा भीम है हाँ। तब जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे तो युद्ध करता नहीं क्योंकि तू तो चलिया है, भगोड़ा है, भाग गया, और ये अर्जुन है ये मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक बच्चे से युद्ध करूं तो मेरी उसमें शोभा क्या रहेगी। हाँ कुछ अट्टा कट्टा ये भीम है, ये कुछ मेरी बराबरी का तो नहीं है, फिर भी ये ठीक है, इससे युद्ध करूंगा। एक दामातुलेयं भीमा राजन ने ब्रकोदर न सक्तो अयं जरासंधं नरजेतम युधे माधवः। और उन्होंने द्वंद युद्ध की मांग की, द्वंद युद्ध स्वीकार किया, द्वंद युद्ध होने लगा। जरासंध और भीम का बहुत समय तक युद्ध चला। जरासंध को भीम चीर करके फेंक देता, फिर जुड़ जाता था। भीम हार गया,
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन कोई भी काम करो भगवान की ओर ध्यान करके, भगवान की ओर दृष्टिपात करके तब काम करो। भीम ने भगवान की ओर को देखा कि हे परमात्मा अब मैं क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लकड़ी को लेकर के चीर के फेंक दिया। इसी प्रकार भीम ने जरासंध को चीर कर फेंका, फिर जुड़ गया, बार बार जुड़ता। फिर भीम ने देखा कि अब क्या करूं, तब लकड़ी को चीर करके एक इधर को फेंका, एक इधर को फेंका। तब भीम ने जरासंध को चीर करके पहले जैसे के जैसे फेंक देता, फिर उसको उल्टा फेंक दिया, और जब उल्टा फेंक दिया फिर नहीं जुड़ा। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जरासंध का पिता बृहद्रथ इनके संतान नहीं थी, एक महात्मा के पास गए और एक महात्मा ने उन्हें फल दिया और कहा जाओ ये रानी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। राजा ने आकर के उनके यहाँ दो रानियां थी, उन्होंने सोचा कि आधा आधा फल दोनों रानियों को खिला दूं तो दो पुत्र हो जाएंगे। आधा आधा फल लेकर के दोनों रानियों को खिला दिया। अब परिणाम हुआ कि दोनों रानियों को आधा ही आधा पुत्र हुआ। अब जैसे देखा ये तो पुत्र आधे आधे हिस्सा है, तो इनका क्या होगा, पुत्रों को फिकवा दिया दोनों भागों को। अब महल के पीछे फेंक दिया। उधर एक जरा नाम की राक्षसी आती है और उन्होंने एक पुत्र के टुकड़े को देखा, उसने सोचा कि ये तो मुझे खाने को मिल गया, इसका दूसरा भाग कहाँ है, दूसरा भागों पास ही में डला था। दोनों भागों को उसने जोड़ा, जैसे जोड़ा वो पुत्र जीवित होकर के एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा, जरा डर करके और उसे छोड़ करके भाग। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जरा के कारण वो जिंदा हुआ, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। और तब से वो जुड़ जाता था दोनों भाग। भगवान श्याम सुंदर की कृपा से भीम ने जरासंध का वध किया और जरासंध के पुत्र सहदेव का राज तिलक किया, जरासंध के मुकुट को लेकर के। और इंद्रप्रस्थ आते हैं, इंद्रप्रस्थ में सभी ओर से सब जीत करके आए और राजसु यज्ञ आरंभ किया। वहां भगवान श्याम सुंदर की अग्र पूजा युधिष्ठिर करने लगा। जब जैसे ही युधिष्ठिर उसकी पूजा करने लगा, तब शिशुपाल आया और कहने लगा, ए युधिष्ठिर ये क्या कर रहा है तू, इस ग्वाले की, इस चोर की पूजा कर रहा है? अरे तुम्हारे परिवार में पितामह भीष्म और बड़े बड़े तुम्हारे पूर्वज हैं और तू इस ग्वाले की पूजा कर रहा है? तब श्याम सुंदर ने देखा कि ये शिशुपाल आ गया और सबने मना किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के मनोरथ को विध्वंस नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। शिशुपाल से कहा, शिशुपाल तुम यहाँ मेहमान आए हो और मेहमान की मर्यादा में रहो। शिशुपाल ने कहा, युधिष्ठिर किसकी पूजा तुम्हारे लिए उचित नहीं है, हमारा अपमान है, हम सबको इतने इतने बड़े राजाओं को बुला करके और हमारे सामने इसकी पूजा करोगे? शिशुपाल ने अनेकों गाली दी। कन्हैया ने कहा, शिशुपाल रुक जाओ, तुम्हारी तीन गाली शेष रह गई, उंगलियों में गिनते रहे। शिशुपाल ने कहा, तीन क्या, मैं तुझसे 3000 गाली दूंगा। अनेकों गाली दी और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, जैसे एक उगल हुई, श्याम सुंदर ने चक्र सुदर्शन लिया
और शिषपाल का सर काट दिया। शिषपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। सब देखते रह गए। शिषपाल का यज्ञ में भगवान ने वध किया। तब कहा जाता है कि यज्ञ में तस्मातम कृष्णाय मैते दीयताम परमाहरणम एवं चेत सर्वभूतानां मात्मनाशरणं भवेत। यज्ञ में शिषपाल का वध किया, फिर भी कहा जाता यज्ञ यज्ञ विघन नहीं हुआ। यज्ञ विघन जब होता है, जब यज्ञ सही संपन्न चल रहा हो, यज्ञ को विध्वंस किया जाए तब। यज्ञ में दुष्टों को मारना, आताताइयों को मारना, यज्ञ विध्वंस नहीं होता। विश्वामित्र ने यज्ञ किया, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने चारों ओर खड़े होकर के अनेकों दैत्यों को मारा और उन दैत्यों को मारने पर ही यज्ञ सफल हुआ। आतंकियों को मारने से ही यज्ञ सफल होता है। यज्ञ विध्वंस अलग चीज होती है। यज्ञ को न होने देना, यज्ञ में विघ्न डालने पर यज्ञ विध्वंस होती है। विश्वामित्र की यज्ञ को राक्षस विध्वंस कर देते, होने नहीं देते। यज्ञ में विघ्न को होता है, यज्ञ विध्वंस को होता है। दुष्टों को यज्ञ में मारने से, मरने से यज्ञ विध्वंस नहीं होता। दुष्टों को मारने पर ही यज्ञ सफल हुआ विश्वामित्र का। इसलिए शिषपाल को ही मार करके और पांडवों की यज्ञ को सफल किया। ये तो विघ्न है, विघ्नों को हटा करके तब निर्विघ्न यज्ञ संपन्न होते हैं। महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु गोविंद ने उंगलियों पर क्या गिना था? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन शिषपाल जब जन्म, इसके 100 खून माफ करूंगा, 100 के बाद में फिर नहीं करूंगा। उसकी मां ने कहा, पुत्र इतना अपराध क्यों करेगा? वो नहीं करेगा तो नहीं मारूंगा। तब भगवान श्याम सुंदर ने 100 खून माफ करे। तब वो एक एक से अपराध गिनने लगे, एक एक गाली को वो गिनने लगे। 100 के बाद में जब ज्यादा हुआ तब शिषपाल का वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जैसे भगवान के जो द्वारपालों को श्राप लगा, तो पहले अवतार में हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण हुए, भगवान ने उनका उद्धार किया। तीसरे अवतार में शिषपाल और दंतवक्र हैं, ये वे ही शिषपाल और दंतवक्र हैं जिनको भगवान ने उद्धार करने के लिए आना पड़ा। शिषपाल का उद्धार किया और यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अब यज्ञ आरंभ करो। यज्ञ में सबने कार्य सौंपे, कोई इस काम को करेगा, आप इस काम को करेंगे। देखो यज्ञ बिना कार्य सौंपे नहीं होता। कोई एक मालिक हो, कार्य को व्यवस्था सौंप, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप ये काम करेंगे। तो ऐसे दुर्योधन को दान बांटने पर कर दिया। भगवान श्याम सुंदर स्वयं पत्तल उठाने के लिए, सबके स्वागत के लिए, सबके पैर धोने के लिए, पत्तल उठाने के लिए तैयार हुए। सबको अलग अलग व्यवस्था सौंप दी। यज्ञ चला भगवान श्याम सुंदर ने। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन संसार में प्रेम सबसे बड़ा है। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे we'll be right back.
दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, ओ साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम Thank you.
भगवान स्वयं सबसे बड़े होते हुए और पैर धोने का पातल उठाने का कार्य लिया होते हैं। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं, ऋषि रजस्व, तपस्वी संतुष्ट, क्षमा शील, जितेंद्रिय दाता, ज्ञानी दया करने वाला, ब्राह्मणे 9 प्रगुणा। राम जी ने कहा महाराज हमारे में तो एक ही गुण है, तुम्हारे में तो 9 गुण है। जिसके अंदर 9 गुण नहीं है तो प्रभु कैसे हो सकता है? जिसमें कोई गुण ना हो, कोई साधु है उसमें साधु के गुण नहीं है तो प्रभु साधु कैसे हो गया? मानव जब ही माना जाएगा जब उसमें मानव के गुण है। अगर उसमें पशु के गुण है तो उसे मनुष्य कौन कहेगा? पशुता है। संत वही है जिसमें संत के गुण है तो संत है। ब्राह्मण वही है जिसमें ब्राह्मण के गुण है, नहीं है तो नहीं है। कर्म से पहचान होती है। कोई व्यक्ति चोरी करना है तो वो चोर है। अगर वो धर्म की रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय है। अगर वो ज्ञान विद्वता कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है तो वो विद्वान है। ऋषियों ने कहा बलराम तुमने कैसे जान लिया कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये स्वयं शिष्य का व्यास जी का शिष्य है, ये व्यास जी का शिष्य है। बलराम ने कहा मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान बस मुझसे ऐसा हो गया। ऋषियों ने कहा तुम्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त लगेगी, इसका प्राश्चित करना पड़ेगा। तब बलदाऊ ने सभी तीर्थों में जाकर के अब उसका प्राश्चित किया और उनको वचन दिया कि इसका पुत्र उग्र सुरवा होगा, वो तुम्हें कथा सुनाएगा। तब रोम अर्सन का पुत्र उग्र सुरवा हुआ। तब वो ब्याजी से शिक्षा लेकर के और नैमिषारण्य में आया। सभी 88,000 ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, आसन दिया। उन्होंने सबको प्रणाम करके आसन ग्रहण किया और जब कथा आरंभ करी तो नैमिषारण्य में कथा श्री सूत जी से ही आरंभ हुई। अब जो जिसके योग्य जानता है वो कहेगा, अज्ञानी कहते हैं ये कथा के योग्य नहीं, जो गादी के योग्य नहीं, जो जिसके योग्य नहीं। क्या अपने अंतर को देखा है कभी कि हम किसके योग्य हैं? अपने आप को कभी योग्यता में तोला है कि हम कछु के योग्य हते? कमी संसार में सब में रहती है। संपूर्ण योग्यता तो किसी में नहीं होती है। संपूर्ण योग्यता तो सिवाय परमात्मा के किसी में नहीं होती है। कमी किसी न किसी में कोई ना कोई सदैव रहती है। कैसा भी विद्वान हो एक कमी उसमें भी रहती है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। अपना काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जाति से कोई कुछ नहीं होता, कर्म से होते हैं, संस्कार से होते हैं। एक बात आप सब जानते हैं, कुंती एक राजा की लड़की थी। सूर्य स्वयं नारायण भगवान है। कुंती के पास सूर्य कुआरे में आए थे। कुआरे में उन्होंने पुत्र दिया, उसे आप सब सूत्र कहते हैं। महाभारत में उसे सूत्र पुत्र से पुकारा गया, कुआरे में हुआ। और आप इसे भी जानते हैं, आप एक अप्सरा थी, वो देवल ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए आई। देवल ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ मछली हो जाओ। उपचर्य राजा ने उस अप्सरा से मछली से संयोग किया था, उससे एक लड़का एक लड़की उत्पन्न हुए, मंचोदरी और एक लड़का हुआ। वो मंचोदरी धीमर के यहाँ पली हुई थी। उस धीमर कन्या से पाराशर ऋषि का संयोग हुआ कुआरे में, तब वहां व्यास पैदा हुए। कुंती के यहाँ कुआरे में पुत्र होता है, वो शूद्र होता है।
मत्स्योदरी के यहाँ पुत्र कुआरे में होता है तब वो ब्राह्मण होता है। इसमें कुआरे में हो या ब्याह में हो इससे कोई अंतर नहीं होता। उनमें दास्ता के संस्कार थे, इनमें ब्राह्मणत्व के संस्कार थे। कुआरे में तो दोनों ही है, व्यास भी कुआरे में हुए और कर्ण भी कुआरे में हुआ था। एक शूद्र एक ब्राह्मण, तो यहाँ संस्कारों पर आधारित है। जिसके पास जैसे संस्कार है वो वही प्राप्त होता है। तो जाति से कोई कुछ नहीं होता। अब आप कहोगे कि जाति कहां से आए, कैसे हुआ ये? कुआरे में तो ब्याजी भी कुआरे में ही हुए हैं, परंतु भगवान की दिव्य शक्ति है, भगवान की कृपा है। कहीं से भी हो, कहीं पर हो, इससे कोई अस्तित्व नहीं है। वो करते क्या है, बस इसका अस्तित्व है। उन्होंने संस्कार क्या किए, वो स्वयं भगवान का ही एक कला अवतार था। भगवान व्यास जी को कृष्ण द्वापर कहते हैं, उनका भी नाम कृष्ण ही है व्यास जी का, उन्हें कृष्ण द्वापर कहा गया है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन संसार में कर्म पर आधारित है, संस्कारों पर आधारित है, जाति पर कुछ नहीं। जाति तो भगवान ही जाने, सब परमात्मा ने बनाया है। एक पिता के विपुल कुमार होए पृथक गुण, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, सब एक पिता की संतान है। हाँ, सब में गुण अलग अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग पड़ जाते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। श्री बलदेव ने उनको वरदान देकर के ऋषियों को और अपने तीर्थों में अपना प्राशित करते हैं। वहां से कथा आरंभ होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बलदेव तीर्थों में जाते हैं, अपना प्राशित करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते करते अपने उसमें आते हैं। कुरुक्षेत्र में आकर के उन्होंने दुर्योधन और उनके युद्ध को देखा। तब बलदेव ने कहा, कृष्ण ये भीम ने अन्याय किया है, मेरे पुत्र को नियम के विरुद्ध उसने मारा है। कन्हैया ने कहा, दाऊ जब न्याय की बात आती है तब तो आप तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, पहले तुम्हें नहीं दिखाई देता कि अन्याय कौन करता है, अब बाद में आकर के देख रहे हो, अब तुम्हें न्याय अन्याय दिखाई दे रहा है। कोई भी कोई बात हो जिसे शुरू से नहीं जानोगे तब तुम्हें न्याय अन्याय का नहीं पता लगेगा। कोई भी काम का निर्णय तब तक मत ही लो तब तक उसके बारे में पूरी जानकारी न हो जाए। भगवान की भक्ति निष्कर्म भाव से की जाए, अपने अंदर में जो कमी है उनको शास्त्र से मिलान करके देखा जाए। शास्त्र में सबके इतिहास, सबके जीवन चरित्र पड़े हुए हैं, सबसे अपना जीवन का चरित्र मिलान करो। रावण के जीवन से अपने जीवन को मिलाओ और विचार करो कि रावण के जीवन में हमारे जीवन में कितना अंतर है। अगर वैसे ही काम बाकी हैं, वैसे ही हमारे हैं, तो समझ लो हम रावण जैसे पापी हैं। और हरिचंद का चरित्र पड़ा हुआ है, हरिचंद के जीवन से अपने जीवन को मिलाओ, क्या उन्होंने सत्य का पालन किया, क्या हम भी सत्य का पालन कर रहे हैं? अगर उसकी भांति हम सत्य का पालन करते हैं तो समझ लो कि हमारा जीवन हरिचंद से मिलता है, और जो हरिचंद की गति हुई है वो हमारी होगी। अनेकों चरित्र पड़े हुए हैं, देखो मिलान करके अजामिल से, धुंधकाली से, अनेकों धर्मात्मा से, भक्तों से, गोपियों से मिलान करो। गोपी सिवाय भगवान के किसी को नहीं चाहते। ये अपने जीवन को मिलाने के लिए
अपने जीवन की परख करने के लिए अनेकों जे चरित्र गाए जाते हैं कि ताकि हमको सबके जीवन का अनुभव मिले, ताकि हम उन्हीं जिसके जीवन अच्छा लगे उसी के जीवन के अनुभवों के अनुसार हम जीवन जीना जी सके। भक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, वैराग्य के आधार पर, तपस्या के आधार पर जीवन को एक ऐसा सुंदर बनाए। मैंने कल कहा था ये जीवन एक मेला है, अगर इस मेला में मेल के नहीं होना तो यही नरक बन जाता है। घर परिवार में सब एक मेल के हो तो मेला ये जीवन बहुत अच्छा सुंदर आराम से कटेगा, प्रेम से कटेगा। अगर इसमें मेल के नहीं भय तो ये जीवन नरक बन जाएगा और नरकों में यातना होती है। और नरक से भी अच्छा मनुष्य जब सोचता है कि भगवान दुष्टों का संग नहीं दे, दुष्टों से तो फिर नरक नहीं अच्छा है। दुष्टी संग नहीं दे विधाता, दुष्टी संग नहीं दे विधाता, जो से बनो नरक को आशा, दुष्टी संग दुष्टों का संग नहीं दे इससे तो नरक में अच्छा है। अपने परिवार को समझो, अपने आप को समझो, तब तक हम किसी को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उनके अनुकूल नहीं चल पाएंगे। हमें अपनी अपनी पड़ेगी, सबको अपनी अपनी पड़े ना तो घर परिवार में खींचाता नहीं रहेगी, और खींचाता नहीं रहेगी तो घर पार पार नहीं चलेगा। अपने अंदर में एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की मन की इच्छाओं का आदर करना है, एक दूसरे की भावनाओं की पूर्ति करनी है। जब एक दूसरे सबको मिला करके ये संसार बना है, सबको मिला करके परिवार बनता है, एकाएकी कुछ नहीं होता। घर परिवार को बनाना है तो धर्म से जुड़े रहना। अगर वृक्ष पृथ्वी से अलग हो जाए तो सूख जाएगा, ये वृक्ष धरती से जुड़ा है तब ये हरा भरा है। अपन धर्म से जुड़े रहेंगे तब अपनी उन्नति और विकास होगा, अपन हरे भरे रहेंगे। अगर धर्म से नहीं जुड़े तो अपने सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपन को नियम संयम, ये भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना प्रयास होइए भगवान, ये भगवान की कथा। सत्संग ये सेवा का अवसर ये बार बार नहीं मिलता, हरे किसी को नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। तीर्थ में जाकर के कुछ अवगुणों का त्याग करना चाहिए, कुछ गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये कथा गंगा है, इसमें कुछ अपने अवगुणों का संकल्प करना चाहिए कि भैया मैं आज से अपने आप को सुधारूंगा, सुधार करूंगा। अपन जब सुधरेंगे तब संसार सुधरेगा, अपन नहीं सुधरेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। हमारे नेत्र हैं, सामने वाले को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। हम दूसरे की कमियों को देखते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, अपनी कमियों को कभी नहीं देखा। सामने की दृष्टि से हटा करके जब अपन अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने आप को देखेंगे तब अपन को पता लगेगा कि अपन में कितनी कमी है। अपनी कमियों को दूर करेंगे तब अपना कल्याण होगा, तब अपना उद्धार होगा। मैंने कल बताया वाणी पर संयम रखिए, नहीं वाणी का स्वभाव आसुरी हो जाएगा, बस कोई बकासुर है। अपनी वृत्तियों पर संयम रखिए, वृत्ति खराब हो जाएगी तो आप वृत्तासुर बन जाओगे। अपन अपने आप पर काबू रखें, पाप करने
कि आज्ञा मन को न देवे। अगर पाप करते चले जाओगे तो आप अघासुर बन जाओगे। अगमारी पाप होता है। अपन को कुछ पाना है तो बस अपने मन को सरल बनाओ, अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सरल स्वभाव न मन कुटलाए, यथा लाभ संतोष सदाए। जिसका स्वभाव सरल हो गया उसका सब कुछ सरल हो गया। शास्त्र में कहा गया है कि सादा जीवन और उच्च विचार। जिसका जीवन सादा हो विचार ऊंचे हो, परंतु अपन संसार के बहाव में चले जाते हैं, फैशन में चले गए, दूसरे के देखने में चले गए। फैशन व्यसन मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाता है। अपनी भाषा अपना भेष अपनी परंपराओं का ज्ञान कराता है। इसलिए अपने मन में विचार करें, सोचें, संतोष रखें, भगवान से प्रार्थना करें, सब भगवान से जुड़े, अपनी पूजा पाठ से जुड़े, अपने कर्म से जुड़े, अपनी मर्यादा को संयम रखें, मर्यादा में रहें। और तब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक अपना कल्याण नहीं होता। रामायण में भागवत में शास्त्रों में कथा तो अनेकों हैं, परंतु कहा गया है हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रत्नता। केवल जितना हो सके भगवान का नाम आए। बैठे माला माले होता है ओ जीवन फिर तेरे हवाले मुरलिया हमारे जीवन में तेरे हवाले मुरलिया हमारे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया हमारे जीवन में तेरे हवाले मुरलिया हमारे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया हमारे हारे मुरलिया हमारे ओरे मुरलिया हमारे हारे मुरलिया वाले ओरे मुरलिया वाले जीवन में जीवन में जीवन में तेरे हवाले मुरलिया हमारे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हमारे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया हमारे।
तब तक किसी के अर्पण नहीं करेंगे, भगवान के अपन अर्पण कर देंगे तो अपन भगवान के हो जाएंगे। अपन जिसको सौंप देंगे वही अपन ने बनाएगा, वो अपना निर्माण करेगा। अपन को माता पिताओं की आज्ञा के अनुसार चले, अपना सुख दुख सबको छोड़ दे। राम जी ने अपने जीवन में दुख सुख अपने बारे में कभी नहीं सोचा, माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया। सीता जी ने कभी राम जी से कोई शिकायत नहीं की कि मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और जीवन में जब कहा कि मेरे लिए ये चाहिए तभी संकट आ गया। सीता जी ने जीवन में केवल वो मृग मांगा था और बस जब मांगा तभी गड़बड़ हो गई। अपन अपने देवताओं के समर्पण हो जाए, जैसे रखे बस वैसे ही रहे। अपना कोई एक मुखिया चुनना चाहिए, अपना एक मालिक चुनना चाहिए, अपना मालिक बनाए और मालिक की आज्ञा के अनुसार चले, ताकि अपने सर पर कोई वजन ना रहे, अपन स्वतंत्र रहे। नहीं तो अपन मालिक हैं तो बाको सबको वजन अपन पे रहो, दिमाग खराब हो जाओ जी, कैसे होगा वो कैसे रहोगे, सब सब जिम्मेदारी अपनी हो जाए। और जब अपने मालिक बना दिया तो सब जिम्मेदारी मालिक की है, बस वो आज्ञा दे वो काम अपन को करना है। अपन को एक इष्ट चुनना है, एक ईश्वर चुनना है, उस ईश्वर को अपन को अर्पण करना है कि हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है
और आज से मैं तेरी आराधना करूंगा। अपन जिस देवी देवता को अपना देवता माने, अपना ईश्वर माने, उनके भाव से, विचार से, गुणों से, धर्म से परिचित होना चाहिए। हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो कैसे स्वभाव का है, उसका स्वभाव हमारे स्वभाव से मेल खाएगा। अगर मेल खाएगा तो अच्छी रहेगी, अगर मेल नहीं खाएगा तो गुरु और शिष्य में बनेगी ना, गुरु की कृपा शिष्य को प्राप्त नहीं होगी। अपन जिस देवता को अपना देवता मानते हैं उनके विचार और हमारे विचार मेल खाएंगे तो उसकी कृपा हमें प्राप्त होगी। अगर बाकी विचारधारा अलग है, हमारे विचारधारा अलग है, तो वो देवता हमसे संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट नहीं होगा तो हम पर कृपा क्यों करेगा? वो देवता क्या चाहता है वैसे ही हमको चलना चाहिए। वो क्या खाते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वैसे ही उनको भोग लगाना चाहिए, तब उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। आते हैं किसी के स्वभाव से परिचित नहीं होते हैं, गुरु बना लेते हैं। फिर गुरु कहेगा अरे भैया ये तुम्हारे में कमी है, इस काम को बंद करो, इस काम को बंद करो, इसे छोड़ो। और तुम छोड़ देते रहे वो बिगड़ जाएगा, तुम छोड़ोगे नहीं तो तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। जो रुष्ट होगा वो कृपा क्यों करेगा? इसलिए जान बूझ करके, देख करके अपना इष्ट चुने, अपना एक मालिक चुने। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए मुख जैसा, जैसे मुख खाता है और पूरे शरीर को जितना जरूरत के अनुसार सब कुछ मिलता देता है। खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक से सब पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, किसी को ना तो ज्यादा देता है ना किसी को कम देता है। और घर वाले सेवक कैसे होना चाहिए? सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीत लखे सुख विसराए सोए। जैसे हाथ पैर नेत्र शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार सेवकों को रक्षा करना चाहिए। मुखिया की और मुखिया को उनकी दोनों एक होना चाहिए। जब दोनों में तब सब में प्रेम होता है, जब अलग अलग हुए तो प्रेम नहीं बनता। और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है कहा गया है। जय जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम,
श्री राम जय।